थाना मलपुरा क्षेत्र के आगरा ग्वालियर रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कैंटर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सिपाही की पत्नी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना मलपुरा क्षेत्र के आगरा ग्वालियर रोड पर एक सिपाही ललितपुर से ट्रांसफर होकर सामान के साथ आईसर कैंटर में अपने गाँव जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने कैंटर में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सिपाही की पत्नी और 6 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद मलपुरा पुलिस ने पत्नी और बेटे के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच पड़ताल में जुट गयी है। डीडी महाराजा न्यूज के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।